हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडी विद ग्रेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और हम भी ठीक है और मम्मी भी मेरे साथ है और मम्मी और हम मिलकर आज बिंदे तक बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी ये रेसिपी को देख सकते हो और घर पर बना सकते हो और ये वीडियो प्लीज़ आप लोग एंड तक देख लेना। तो यहाँ पर मम्मी ने ऑलरेडी दाल भिगो के रखा है, ये मूंग का दाल है और ये मोर देन 3 आवर्स मम्मी ने भिगो के रखा है। और यहाँ पर कीमा है और यहाँ पर हरा मिर्च है और अंडे भी है और यहाँ पर गार्लिक का पेस्ट है और यहाँ पर मिर्ची है और यहाँ पर गाजर भी मम्मी ने रखा हुआ है। तो इतना सामान चाहिए बिंदे तक बनाने के लिए। और ये कीमा आपका ऑप्शनल है, अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो ये कीमा नहीं डालने से भी हो जाएगा। और मीट आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, मटन, चिकन, एवरीथिंग यू कैन यूज़ इट वाइल मेकिंग बिंदे तक। और सबसे पहले हम मूंग की दाल का हम बैटर बनाएंगे अच्छे से इसको ग्राइंड करके। ये मूंग का दाल पीस लिया, अभी इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के हम लोग ने पीसा था, तो ये इस तरह से हम पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा छन्नी लेके ये इसके ऊपर रखा और थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल के देखना पड़ता है कितना थिक चाहिए आपको। इससे थोड़ा थिक होना चाहिए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है और इतना इसका कंसिस्टेंसी इतना होना चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पर कीमा को मैरिनेट करके रखा है, इसमें मम्मी ने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है और 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट डाल के रखा हुआ है और इसको हम 10-15 मिनट हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो बिंदे तक बनाने के लिए मम्मी ने सामग्री काट के रेडी कर चुकी है, जैसे कि ये ग्रीन ऑनियन ऐसे छोटा छोटा मम्मी ने काट दिया है और यहाँ पर मम्मी ने मिर्ची और गाजर को भी छोटे छोटे काट के रखा हुआ है और गाजर का साइज ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये गाजर ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। और ये कीमा मैंने आप लोगों को दिखाया ऑलरेडी कि मैरिनेट हो रहा है, तो अभी इतना ही है सामान बिंदे तक में डालने के लिए। ऑल राइट, तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो ऐसा होना चाहिए। इसका जितने भी पानी था मम्मी ने सारा छलनी में वो करके निकाल दिया है, और या तो आप लोग इसको कपड़े पतले कपड़े में डालकर भी इसका पानी निकाल सकते हो। और अब मम्मी इसमें अंडे डाल रही है और मैं अंडे को अब बीट करूंगी। ऑल राइट, तो अंडे डालने के बाद थोड़ा सा इसको घोलना चाहिए, थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे, 3 चम्मच तेल डाल दिया, नमक 3 चम्मच तेल और इसको इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन और मिर्ची डालेंगे, गाजर डाल देंगे और थोड़ा सा मिर्ची मैं सेव करके रखूँगी क्योंकि ये वेजिटेबल वाला बनाऊँगी। और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा मीट वाला भी टेस्ट करूँगी करके, ये ज़रा सा मीट का भी मैं बनाऊँगी और थोड़ा सा इधर डालूँगी। ये मीट के लिए हो गया, थोड़ा मैंने 2-3 क्लोव गार्लिक क्रश करके रखा था तो मैं यही डाल दूँगी। ज़रा सा नमक डाल दूँगी, मैं हाथ से मिक्स करूँगी और जब ये नमक जाएगा तो ये ग्रीन ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हमें बनाने के लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअल में ये अंडा यहाँ डालना अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ किया क्योंकि मैं आधा वेजिटेबल का बिंदे तक बना रही थी और थोड़ा सा ये मीट का बिंदे तक बना रही थी। 2 टाइप का बिंदे तक बनाने की वजह से मैंने अंडा ये डायरेक्ट बैटर में डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे, ये मीट को मिक्स करूँगी मैं, इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, तब तक हम तावा को गर्म करेंगे। हाँ ठीक है, ओके, लेट्स गो। बिंदे तक का जितना भी हमें सामान वगैरह चाहिए था वो मम्मी ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बिंदे तक। और ये बिंदे तक एक्चुअली में ये कोरियन पैनकेक है और ये मूंग दाल का बना हुआ होता है। तवा थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये मीट का बनाऊंगी और इस तरह से मीट डालूंगी और इसको इस तरह से कवर कर दूंगी। और ये फ्लेम जो है वो एकदम लो में करना चाहिए,
आप इस तरह से बना सकते हैं। मूंग दाल हेल्दी है, बच्चे लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। अब इस ऐसा हो गया हमारा, तो आपको ऐसा ऐसा राउंड करके आप इसको अलट पलट करेंगे। ऑलराइट, तो ये है हमारा बिंदे तक रेडी हो रहा है और ये हमारा मीट वाला है। सो अभी हम थोड़ी देर इसको पकने तक हम वेट करेंगे। और ये आप लोग सुजेबी के साथ भी खा सकते हो, नूडल्स के साथ भी खा सकते हो और इसे साइड डिश की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग बनाकर खा सकते हो और इट इज़ रिगार्डेड एज द हेल्दी फूड। हमारा ये नॉन वेज वाला विंदे तक भी रेडी हो गया। आप इस तरह से आप बना सकते हैं और ये नॉन वेज वाला है। अब इसके बाद मैं वेज वाला बनाऊंगी। ये अब हम ये वेजिटेबल वाला बिंदे तक बनाएंगे। वेजिटेबल वाला बिंदे तक को हम इस तरह से डालते हैं। अभी मैंने इसमें ना थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मूंग का दाल भिगो के इस तरह से बनाइए। थोड़ा पतला पतला रखने से ये जल्दी कुक हो जाते हैं। अब हमारा ये वेजिटेबल बिंदे तक भी हो गया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। जो मैंने मीट का बनाया था तो मीट को देखने में ऐसा होता है। मैं आपको काट के दिखा दूँ। ये रहा। तो हमारा बिंदे तक रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को हमने रेसिपी दिखा दिया बिंदे तक कैसे बनाते हैं करके। तो आप लोग भी ये घर पर ट्राई कर सकते हो। बनाने के लिए बहुत ही इजी है। तो सामग्री भी उतना नहीं चाहिए, सिर्फ दाल होना चाहिए और थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह अगर है तो ये बिंदे तक अच्छे से बन जाता है घर में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो मैं आज का ये वीडियो इतने में ही रखती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और हो सके तो मेरा वीडियो आप लोग शेयर कर देना। और आप लोगों को अगर कुछ सीखना है रेसिपी वगैरह में तो आप लोग हमको बोल सकते हो कमेंट करके, सो दैट हम लोग बना सके। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।